कुदरती हुसन से माला माल वादिये हेंगो रोंदू। जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान का पाकिस्तान में एक ख़ास पहचान है, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के इस पहचान में भी कई वादियाँ, हसीन और दिलफरेब मनाजिर और कई खूबसूरत गांव शामिल है, जिसमें से एक सब डिवीज़न रोंदू भी शामिल है, जो कि अपनी मिसाल आप है, मगर इसके कई खूबसूरत और जन्नत नज़ीर वादियाँ मकामी और गैर मकामी सियाहों की नज़रों से ओझल है। कुदरती हुसन से माला माल वादिये हेंगो जाने के लिए आपको शाहराए बल्तिस्तान से यानी मेन बाज़ार डम्बदास रोड से मेंदी की जानिब अपना सफ़र इख्तियार करना होगा। इसके अलावा आप शोत पुल रोंदू से भी हेंगो की जानिब जा सकते हैं। बाइक पर आपका ये सफ़र तकरीबन घंटा या डेढ़ घंटे की मुसाफत पर है। हेंगो जाते हुए मज़ीद दिलफरेब नज़ारों और मुख्तलिफ़ गांव आपके नज़रों के सामने होंगे, जिसमें मेंदी, नवशहर, नंगीगोट, हरदस और दीगर खूबसूरत गांव नज़र आएंगे। और आप हेंगो की जानिब बढ़ते बढ़ते आपको थार बाला, थार पाइन व दीगर रोंदू के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। चलें अब हम हेंगो के इब्तदाई रास्तों की जानिब ज़रा निगाह डालते हैं। जा रहे हैं हेंगो ब्रॉक की जानिब, लेकिन अभी हम बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट पे पहुँचे हैं हेंगो के, जहाँ से हेंगो स्टार्ट होंगे। तो आपको एक सरप्राइज चीज़ दिखाने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ज़ीरो पॉइंट है, यहाँ से आप एक साइड पे आप देख सकते हैं हेंगो का खूबसूरत नज़ारा, और अगर इस साइड से आप बैक साइड से देखें तो ये थार और लशिथांग से लेके हर जगह यहाँ से खूबसूरत आपको नज़र आ रहे हैं। और हमारे यहाँ दोस्तान भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि हमारे साथ इस सफ़र में मौजूद हैं। वज़ीर भाई क्या कहना चाहेंगे? वज़ीर भाई भी जो है ना फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं, ऐसे ही है? जी बिल्कुल, मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया है, लेकिन बाहर गिलगित बल्तिस्तान भी कोई एक ऐसा खूबसूरत, अल्लाह ताला ने एक से एक जन्नत का एक टुकड़ा पैदा किया है यहाँ पर। लेकिन सब डिवीजन रोंदू और यहाँ हेंगो, नंगीगोट, अभी हम जा रहे हैं उपू ब्लॉक में, ठीक जाते कह रहे हैं चश्मा है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं आगे की तरह निकलने का, लेकिन देखते साथ साथ आप लोगों को भी हम के नज़ारे दिखाते हुए जाएंगे। हाँ बिल्कुल, देखते जो होगा देखा जाएगा, देखा जाएगा। अच्छा, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट आसिफ भाई भी मौजूद है। आसिफ भाई क्या कहना चाहेंगे? जी ये सब डिवीज़न रोंदू के बहुत ही खूबसूरत वादी है, जो कि अब तक जो सियाह हजरात है, दिगर जो पाकिस्तानी शहर है, हालांकि बल्कि यहीं गिलगित बल्तिस्तान के आंखों से भी ओझल है, इसको एक्सप्लोर नहीं किया गया। अगर इंतज़ामिया और महकमे सियाहत इसको एक्सप्लोर करते तो हो सकता है यहाँ बहुत ही टफ मुकाम बन जाए। हेंगो जाते हुए अगर आपको वहाँ का कोई मकामी फ़र्द मिले तो आपको रास्तों की थकावट महसूस ही नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर मोहब्बत व प्यार फूट फूट कर भरी हुई है, जिससे रास्तों का कुछ पता ही नहीं चलता। मेहरबानी यहाँ बाहर जो वहाँ हुकुम के वहाँ आया, इतना दिल खुश हो गया, चीज हो गया चलता, लेकिन इंसान की मोहब्बत बड़ी चीज है, और मोहब्बत है तो इस खूबसूरत वादी के लोगों का कहना है कि हेंगो रोंदू सियाहती हवाले से बहुत अहम जगह है, मगर बदकस्मती से
हेंगो रोंदू कई बुनियादी हकूक से महरूम भी है। इनमें से अहम इशू यहाँ पर बिजली है और इसके अलावा यहाँ सियाहत के हवाले से भी कोई ठोस इकदाम नहीं उठाए गए हैं, जिसकी वजह से ये अभी भी सियाहों की नज़रों से ओझल है। वहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि अगर हेंगो रोंदू में सियाहती हवाले से इकदाम उठाए जाए तो अब भी रोंदू में हेंगो का एक ख़ास पहचान होगा। दो दिन का रास्ता है। आगे बर्फ तक। अच्छा, ठीक हो गया। उधर बर्फ के जिधर से जो हमें नज़र आ रहे हैं ना बर्फ, वहाँ से आगे जाने का भी रास्ता है? उससे अंदर है ना, उससे अंदर क्या आते हैं? चुचुको ब्लांसा। वो क्या मतलब है चुचुको ब्लांसा? पुराने जमाने में राजा वगैरह जो उधर रश किया है। अच्छा, वहाँ पर भी राजा रहते थे? हाँ जी, गए हैं वहाँ। उसके बारे में कोई किस्सा कहानी है क्या? उसके बारे में ये कहा है कि सुना है हमें, हाँ, लोगों से। ठीक। कि जब पुराने जमाने वो सिख आते हैं ना, सिख जी जी, सिख वगैरह उसके दौर में जो है ना, उनसे पनाह लेकर अच्छा भाग कर अंदर गए थे, ये सुना है। लेकिन अच्छा अच्छा, ठीक। फिर वहाँ बैठे हैं? हाँ, उधर तो उसी एक दो दिन में उन्होंने फिर वहाँ कैरिया में बनाया है। जी नाजरीन, तो यहाँ जो मुकामी लोग हैं उनका कहना है, यहाँ जहाँ हमें जो बर्फ़ नज़र आ रहे थे, तो इनके कहना है कि वहाँ तक भी जो है ना पुराने जो राजा वगैरह है वो वहाँ से जा रहे थे, तो इस मुकाम पे वो ठहरे हैं। तो वहाँ पे ज़ाहिर बात है जंगी कोई ऐसा कोई इनको इशू हो गया हो कि वो इस रास्ते से गुजरा हो या गया हो, तो उसी दौरान यहाँ से गुजरते वक्त वहाँ पे वो रहे हैं, तो इन्होंने यहाँ पे क्यारियाँ वगैरह भी बनाए हैं, उनके निशानियाँ भी वहाँ पे मौजूद है। रोंदू हेंगो के मुकाम है जहाँ पे हम खड़े हैं, हेंगो के ब्लॉक है। यहाँ पे आने के लिए वैसे तो आम व्हीकल्स आते नहीं हैं, एक तो यहाँ 4x4 व्हीकल्स आते हैं, उसके अलावा अगर फैमिली के बग़ैर आप यहाँ आना चाहते तो आप मोटर बाइक पे आ सकते हैं, और कुछ सड़कें ऐसे हैं जहाँ पे आप डबल नहीं सिंगल पे आ सकते हैं, थोड़ी बहुत पैदल चलना पड़ते हैं। दूसरा, अगर जो मुकामी और गैर मुकामी सियाह यहाँ आना चाहते तो डमरास हमारी मरकज़ है रोंदू का, उधर से आप मेन रोड से आप होते हुए मकबूल प्लेग्राउंड से के रोड से होते हुए तकरीबन 1.5 घंटे की मसाफत के पर ये मुकाम है। आज 3 जुलाई पाकिस्तान के दिगर शहरों में पंखे एसी लगा के गर्माइश इतनी होती है महसूस करते हैं। हम यहाँ और आप इतनी आग जलाया हुआ है फिर भी आपको ठंड लग रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल, जुलाई में चूंकि लोग इस वक्त पंखे के नीचे होंगे, स्पेशली जो हमारे जो कराची के जो पंजाब के जो हमारे दोस्तान है वो शायद पंखे के नीचे होंगे, लेकिन इस वक्त हम यहाँ पे काफ़ी आग लगाने के बावजूद भी इस वक्त ठंड यहाँ पे महसूस हो रहा है। हम मुकामी और गैर मुकामी सियाह लोगों के हजरात के लिए क्या पैगाम है आपके? अच्छा, अगर वो यहाँ पे आना चाहते हैं उनके लिए स्पेशली है कि यहाँ पे इसी वो समझते हैं कि नीचे से उनको ना जो हमारा दमदास है मेन रोड से, वो समझेंगे कि यहाँ पे कोई सिटी वगैरह या किसी चीज़ की जरूरत नहीं होंगे, लेकिन यकीन जाने यहाँ पे आपको रहने के लिए जगह भी नहीं है, तो इस हवाले से थोड़ा एहतियाती तदाबीर जो है अपनाना होगा कि वहाँ से कंबल चंबल या खाने पीने की जितनी भी अशिया है वो सारी चीज़ें लेके आना होगा, क्योंकि यहाँ पे सिवाय आपको पानी और लकड़ी के और कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, आग का आप यहाँ बंदोबस्त कर सकते हैं, अलबत्ता आग जलाने के लिए जो चीज़ें चाहिए या पकाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो तकरीबन आपको सारे लेके आना ही होगा।